season. I hope you all are fit and fine. So after summer break, we will start our new class with a new chapter, chapter number 3, Looking After My Body. In this chapter, we are having 3 points. These are, how do we keep our body clean? How do we keep our body clean? हम अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे हमें क्लीन रखना चाहिए. हाउ डू वी कीप आर टीथ क्लीन, हाउ डू वी कीप आर टीथ क्लीन. यू नो व्हाट इज टीथ, सबको पता है, सबके पास टीथ है, दांत. सो हम अपने टीथ को कैसे क्लीन रखते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, सम गुड हैबिट्स. बट इन दिस क्लास ओनली वी आर टॉकिंग फर्स्ट पॉइंट, दैट इज How do we keep our body clean? हम अपनी body को कैसे clean रखेंगे? This we are discussing in our class only. Okay? So class, what is this? How do we keep our body clean? You all know that so many diseases are coming. This that you know the current disease is coronavirus. So how do we take care of yourself? हम अपनी कैसे देखभाल कर सकते हैं? ठीक है? So we will learn about this. Number one, that we should take care of our body. हमें अपनी body का ध्यान रखना चाहिए, because so many germs attack in our body. What is germs? Do you know? No na? Germs are very very small microorganisms जो हमें दिखते भी नहीं है, और वो हमारी body में enter हो जाते हैं with only because of us, because of our carelessness. हम जब ध्यान नहीं देते, because of these things, these germs enter in our body, and because of these germs, we fall sick. हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी diseases से हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है. उस disease से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें illness हो जाती है, बहुत weak feel करते हैं. So avoid this, and we should take care of our body only with a few things. Number one, ब्रश योर टीथ 2 times इन अ डे. हमें अपने टीथ को 2 times ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड. नेक्स्ट इज टेक बाथ एवरी डे, हमें डेली नहाना चाहिए. नंबर थर्ड, फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग. जब भी हम टॉयलेट जा रहे हैं तो हमें फ्लश करना चाहिए, उसको यूज करने के बाद कॉम करने चाहिए हेयर. देन wash your hand before eating and after eating also. Most important, wear clean clothes. So we will discuss these all points in brief with the help of our book. Open your book, theek hai, open your book, page number 12, looking after my body. Looking after my body, let's start. We take care of our body to stay healthy and fit. हमें अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत केयर करनी चाहिए, so that we always feel fit and fine. We keep it clean and to scare the germs. Germs को दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए. आप आजकल एड देख रहे हैं, डेली एड आ रहा है, 20 सेकेंड्स तक अपने हमें अपने जो हैंड्स हैं उनको वॉश करना चाहिए. Why? So that germs will not enter in your body. Okay? Now, germs can cause many illness. Because of these germs, you will fall sick. आप बीमार पड़ जाते हैं. इन जर्म्स से हम क्या हो जाता है, हमें बीमारी, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी डिजीज. आप देखते हैं कभी किसी को स्नीजिंग हो जाता है, कफिंग हो जाता है. कई बच्चे बहुत वीक होते हैं तो उनको अधिकतर क्या होता है, उनको बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ता है, और वो क्या होता है, हमेशा बहुत ज्यादा वीकनेस फील करते हैं. नाउ हाउ डू वी कीप आर बॉडी क्लीन, दैट आई टोल्ड ऑलरेडी डिस्कस यू दैट ओनली इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास वी आर टेकिंग दिस पॉइंट. लेट्स स्टार्ट. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू फॉलो सम गुड हैबिट्स. दीज आर ब्रश टीथ 2 times अ डे. I already told you that we have to brush our teeth 2 times in a day. These are in the morning or before going to bed. जब भी आप सोने जाते हैं उसके पहले हमें ब्रश करना चाहिए. मॉर्निंग में तो हम सब करते हैं, 1 time हमें
हमेशा करते हैं बट टू टाइम्स इन अ डे यू हैव टू ब्रश योर टीथ ओके टेक बाथ एवरी डे आप स्कूल आते हैं मैम हमेशा आपसे पूछती है हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन बाथ आप में से किस किस ने बाथ लिया है पूछती है ना मैम आपसे और आप बोलते हैं मैम हमने भी किया था मैम हमने भी किया है बट डोंट टेल लाई ऑलवेज टेक बाथ सो दैट यू विल बी व्हाट स्टे अवे फ्रॉम जर्म्स फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज एंड कीप इट क्लीन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी जब हम उठते हैं हमेशा हमें टॉयलेट जब भी हम जाते हैं टॉयलेट यूज करने के पहले भी हमें फ्लश करना चाहिए इवन आफ्टर यूजिंग इट फोर्थ पॉइंट कॉम हेयर जब आप स्कूल आते हैं मैम आपको बोलती है बच्चा आज आपने बात नहीं लिया है क्यों बोलती है क्योंकि जो हमारे हेयर है वो प्रॉपरली कॉम नहीं होते हैं तो हम कैसे लगते हैं अनटाइडी लुक देता है तो दिस कॉम्बिंग हेयर फील्स अस व्हाट व्हाट कैसा फील कराते हैं हमें स्मार्ट लुक फील करवाते हैं सो ऑलवेज बी इन माइंड दैट यू विल कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली नाउ नेक्स्ट वियर क्लीन क्लोथ्स वियर क्लीन क्लोथ्स Always your teachers told you, bachcha, whenever you are coming to school, wear clean clothes, tell your mama to clean your clothes. Whenever you are wearing the clothes after bathing, please wear clean clothes. Because in your clothes, what are the things? So many germs enter in your clothes and these germs get into your body with only the clothes. So wear clean clothes. Rinse mouth after eating. Mama, जब आप eat करते हैं कुछ भी उसके बाद मम्मा आपको क्या बोलती है Rinse your mouth. Rinse करना मतलब ऐसे हम जब water मुंह में लेते हैं ऐसे करके जब हम उसको split कर देते हैं that is rinsing. Okay? So whenever you eat something, rinse your mouth. Cut nails. In your school also, your teachers are taking care of your nails. And your teachers are also giving you diary notes whenever you are not cutting your nails. Why? क्यों बोलती है मैम? Because only for you. आपके लिए. आप जब nails cut नहीं करते वो इतने big big हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे germs चले जाते हैं. And these germs can cause so many problems to you. Not for your mom. It's only for you. Okay? So take care of this and wash your hands before eating and after eating. जब भी आप खाना खाएं उसके पहले भी हैंड वॉश करें और उसके बाद में भी करें आजकल हम जो एड देख रहे हैं 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश करने का सो मेनी सोप सो मेनी सैनिटाइजर सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन द मार्केट सो यूज इट एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली सो ओनली इन दिस वी कवर दिस टॉपिक एंड इन माई नेक्स्ट क्लास आई टेक दीज टू टॉपिक्स हाउ डू वी कीप आवर टीथ